हरिओम, मेरा नाम विनोद राजेंद्र किशोर थानथराटे। मेरा बेटा कृष्णा तेजस विनोद थानथराटे यहाँ संत श्री आशाराम जी गुरुकुल गोंदिया में पढ़ता है। मैंने इसे गुरुकुल में डालने का मेरा विषय यही था कि बच्चे को संस्कार तो हम बाहर में ही मिल जाते हैं। पढ़ाई एजुकेशन बोला जाए तो बहुत अच्छा बाहर में मिल जाता है, लेकिन मूलतः संस्कार, मूलतः संस्कार जो बच्चे को हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं। आज आप बच्चों को देखो, आप बच्चे पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन बच्चों के अंदर वो संस्कार जो हम देना चाहते हैं, आज समय के अभाव में हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। तो हम अपने बच्चों को जो संस्कार अपने घर पे नहीं दे पा रहे, जैसे हमने अपने बचपन में देखा, हमारे दादा दादी नाना नानी हमको कहानियाँ सुनाया करते थे। आज की पीढ़ी में देखा जाए तो वो कहानियाँ उनको सुनने नहीं मिल रही, उनके हाथ में सिर्फ मोबाइल मिल रहा। जो आज भौतिक ज्ञान है वो उनके अंदर तो कूट कूट के, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से वो वंचित है। जो संस्कार उन्हें इस गुरुकुल से मिल रहा है, तो मेरा विषय यही है कि अपने बच्चों को हम अगर गुरुकुल में पढ़ाते हैं तो हमें उसके आध्यात्मिक के विषय में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको वो ज्ञान मूलतः यहाँ मिल रहा है। और बापू जी का गुरुकुल बोला जाए तो आध्यात्मिक के लिए ही है, जो बच्चे को अंदर से, आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए अगर उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो वो बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगी। तो अपने बच्चे के अंदर अगर हम आध्यात्म का ज्ञान, अपनी संस्कृति का ज्ञान अपने बच्चे के अंदर आज इस उम्र से अगर देते हैं तो वो बड़ा होकर के इतना बेहतरीन इंसान बनेगा। पैसे वाला इंसान बनना बड़ी बात नहीं, एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात होती है। आज हम अपने महापुरुषों के अंदर देखते हैं तो वही चीज़ें मिलती हैं, जो बचपन से माता पिता जो संस्कार देते वो तो होते ही, लेकिन गुरु का ज्ञान जो होता है वो सबसे मूलतः होता है। तो आज हम अपने बच्चे को उसी ज्ञान के उद्देश्य से गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो गुरुकुल आज बोला जाता है, लेकिन गुरुकुल में वो संस्कार नहीं दिए जाते। पढ़ाइयाँ बहुत होती है लेकिन संस्कार वो नहीं दिए जाते, लेकिन संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में ये चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ को हमने महसूस किया है और अपने बच्चे के ऊपर से महसूस करते हैं। जो आज बच्चा जैसा था, आज इस बच्चे को देखोगे आप तो आज इसकी उम्र 5.5 साल है, लेकिन इसको कोई देखेगा तो मेरे ख्याल से यही बोलेगा कि 6, 6.5, 7 साल का बच्चा है, क्योंकि ये खान पान, इसका रहन सहन, योगासन, प्राणायाम, वो सारी चीज़ें ये करता है। आज जो सरस्वती मंत्र का जप करना चाहिए बच्चों को, आज बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाइयाँ भी होती, लेकिन वो मंत्रों का ज्ञान नहीं। तो मंत्रों के ज्ञान के अभाव से वो बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन वही स्मरण शक्ति उसकी कमज़ोर रहती। लेकिन ये सरस्वती मंत्र के जब से बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाती है कि बच्चों को हमको बहुत कम पढ़ाना और सिखाना पड़ता है, जिससे बच्चा समझ और सीख जाता है जल्दी से। तो आज मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए अब एक बार कोशिश करके देखिए, और ज़्यादा नहीं तो अभी एक बार आइए और समझ करके देखिए कि कितना बेहतरीन विद्यालय है यहाँ। जो ज्ञान आपको बहुत खर्चा करने के बाद भी नहीं मिलता, वो बहुत कम खर्चे में आपको मिल जाता है, और जो देना है आपको अपने बच्चों को वो तो मिल ही रहा है यहाँ। माय नेम इज तेजस विनोद थानथराटे, स्टडी केजीएम क्लास। मैं गुरुकुल नेम इज संत शाशा रामजी गुरुकुल गोंदिया। टोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइंस नो पापा, अपॉन योर माउथ हा हा हा।